सो गाइस आप ही के रिक्वेस्ट पर आज लेकर आ गए हैं एक बैक और बाइसेप्स का सैंपल वर्कआउट। गाइस इसको आप एक पुल वर्कआउट की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं बिकॉज बहुत सारे मसल ग्रुप इसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं जो कि आपकी पुलिंग में हेल्प करते हैं। सो गाइस अगर आप भी बनाना चाहते हैं मेरी तरह एक वी टेपर्ड बैक तो बने रहिए मेरे साथ बिकॉज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं अगर आपको एक वी टेपर्ड बैक चाहिए। गाइज हमारे हर ट्रेनिंग वीडियो में आपको पता ही है कि मैं रिकमेंड करता हूँ एक ट्रेनिंग प्रोटोकॉल जिसमें कि सबसे पहले आप करते हैं एक 10 मिनट का वार्म अप जब आपको थोड़ा सा स्वेट ब्रेक होता है। उसके बाद गाइज हम लोग करते हैं थोड़ा सा फोम रोलिंग स्पेशली उन मसल ग्रुप का जो हम लोग ट्रेन करने वाले हैं और उसके बाद हम लोग करते हैं गाइज डायनेमिक स्ट्रेचिंग। गाइज मेरी आपसे रिकमेंडेशन है कि कम से कम अपने हैमस्ट्रिंग का और बैक का फोम रोलिंग प्लस डायनेमिक स्ट्रेचिंग जरूर करें बिकॉज ये दोनों ही आज एक्सटेंसिवली यूज होने वाले हैं। हालांकि गाइज मेरी रिकमेंडेशन ये रहती है कि अगर आपके पास टाइम है देन कोशिश करें कि आप पूरी बॉडी का डायनेमिक स्ट्रेचिंग करें और पूरी बॉडी का फोम रोलिंग कर रहे हैं। सो गाइज इस वर्कआउट रूटीन में जो पहला एक्सरसाइज होने वाला है उसका नाम है वेटेड पुलअप। गाइज अगर आप बिगनर हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वेटेड पुलअप नहीं करें, सबसे पहले स्टार्ट करें एक असिस्टेड पुलअप से, उसके बाद आप मूव ऑन करें एक ऐसे पुलअप पे जिसमें आप किसी भी फॉर्म का हेल्प नहीं ले रहे हैं एंड फाइनली यू शुड मूव ऑन टू द वेटेड पुलअप। हालांकि गाइज आप अगर ऑलरेडी इंटरमीडिएट या फिर एडवांस लेवल पर हैं देन येस यू कैन स्टार्ट योर वर्कआउट रूटीन विद अ वेटेड पुलअप। Now guys, I personally like this exercise a lot और इसीलिए आप देखेंगे कि जो मेरा overall lat development है उसमें मेरे upper lat बहुत ज़्यादा heavy हैं क्योंकि मैं हमेशा से इस exercise को काफ़ी अच्छे से perform करता आ रहा हूँ। Guys, ये exercise work करता है आपके overall back के ऊपर जिसमें कि आपका latissimus dorsi, rhomboids, teres major, teres minor, थोड़ा बहुत posterior deltoid और biceps cover हो जाता है। Guys, I would recommend doing at least 3 sets of this exercise within a rep range of 6 to 8 repetitions. Now guys, after completing this exercise, हम लोग सबसे पहले change करने वाले हैं हमारे training shoes because हमारे जो next exercise है वो है deadlift. Guys, I personally recommend wearing a flat sole shoes for deadlift and squatting. So guys, अगर आपके पास available है तो आप उन्हें use करें, अगर available नहीं है तो इस video के description में जो आपको link मिलेंगे, आप वहाँ से buy कर सकते हैं। Guys, मैं फिलहाल यहाँ perform कर रहा हूँ एक Romanian deadlift. हालांकि guys, आप अगर चाहें तो conventional deadlift भी कर सकते हैं, मैंने उसका tutorial cover करा हुआ है जो आपकी screen के ऊपर इस समय आ रहा होगा। Guys, I keep on changing from Romanian to conventional from week by week. So आप भी अगर चाहें तो मेरी तरह alternate weeks में इसको चेंज कर सकते हैं। हालांकि guys, it all depends upon what you actually like doing more and what is the actual target of your training. So guys, ये choice मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको conventional वाला करना है या फिर रोमेनियन। मैं गाइस आजकल रोमेनियन के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा हूं बिकॉज आई बीन ट्राइंग टू रिकवर माय हैमस्ट्रिंग फ्रॉम द एसीएल सर्जरी। और गाइज इसके बाद जो हम लोग एक्सरसाइज परफॉर्म करने वाले हैं उसका नाम है टी बार रोइंग। गाइज आपको याद होगा मैंने रिसेंटली इसका एक पूरा ट्यूटोरियल कवर करा है, सो आपके सामने जो अभी स्क्रीन के ऊपर एक लिंक आ रहा है आप उसे जाके चेक कर सकते हैं। मैंने पूरा बताया था कि इसमें क्या करेक्ट टेक्निक होना चाहिए, क्या पोस्चर होना चाहिए। सो गाइज इस एक्सरसाइज से भी हम लोग करने वाले हैं कम से कम 3 सेट्स विद इन अ रेप रेंज ऑफ 6 टू 10 रेप्स। And guys, the last exercise in this workout routine is a standing lat push down. Now guys, this is one of those exercise जो कि आप बहुत आसानी से perform कर पाते हैं because इसका जो posture है, इसका जो technique है वो काफी ज्यादा आसान है। तो आप अगर beginner हैं तो ये exercise अपने workout routine में जरूर include करें। और guys, हमने इसका भी एक tutorial cover करा हुआ है, so आपकी screen के ऊपर अब जो एक link आ रहा है आप उसके ऊपर क्लिक करके चेक कर सकते हैं इसका exact technique और posture. Now guys, moving on to the isolation exercises for biceps, हम लोग इस exercise routine में perform करने वाले हैं एक exercise exclusively for biceps. इसका guys reason ये है because आप जितना भी back के लिए workout करते हैं आपके almost हर exercise में एक अच्छा pulling movement होता है और वो जो pulling movement है वो आता है guys आपके biceps की help की वजह से। तो आप अगर एक तरह से कहें कि आपका biceps already हर exercise में train हो रहा था तो ये गलत नहीं होगा, इसलिए हम लोग perform करने वाले हैं सिर्फ एक exercise exclusively for biceps.